दोस्तों, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। हर व्यक्ति तरक्की कर रहा है। सभी लोगों के पास पैसा है। हर गली में टेलर्स बैठे हैं। मार्केट में अनेकों बुटीक्स हैं। तो क्यों कस्टमर आपसे ही सर्विस लेना चाहेगा? क्या स्पेशल बात है आप में? क्यों कस्टमर आपके पास ही आएगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं निशा और आपके अपने सेयर्स फैशन पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना तो होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। 2 मिनट की कोई चीज हमें सोचनी हो तो हमारे दिमाग में एक ही नाम सबसे पहले आता है, मैगी। ब्रांड की बात हो, कपड़ों की बात हो, डिजाइन और वैरायटीज की बात हो, तो सबसे पहला नाम आता है ज़ारा। उसी तरह आपकी भी कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, जिस चीज में आप मास्टर हो, जो आप में स्पेशल हो, जो सिर्फ आप ही दे सकते हो। वो चीज कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कोई बुटीक है, वो बहुत अच्छी ऑफिशियल कुर्ती के नाम से फेमस है कि वो बहुत अच्छी ऑफिशियल टाइप की कुर्तीज बनाते हैं। तो अगर कोई भी ऑफिशियल कुर्ती के लिए जाएगा तो वो सबसे पहले उसी बुटीक पे जाएगा। उसी तरह आपके बुटीक की भी कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए। चाहे वो ब्लाउजेज ले सकते हैं, प्लाजो ले सकते हैं, या फिर कुर्ती ले सकते हैं, साड़ीज ले सकते हैं। आजकल बहुत सारी डिज़ाइनर साड़ीज क्रिएट होती हैं जो स्टिच भी होती हैं, तो उस हिसाब से आपकी भी कोई स्पेशलिटी होनी चाहिए, कुछ खास बात होनी चाहिए आपके बुटीक में कि उस चीज़ का नाम अगर आए तो आपके बुटीक का नाम सबसे पहले आए। तो अपनी बुटीक की कोई स्पेशलिटी बनाइए। अपने किसी भी काम में, अपने किसी भी एक चीज़ में आप अच्छे हो जाएं। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ों में अच्छे हों, किसी एक चीज़ में अच्छे हो जाएं, उसी चीज़ के नाम से आपको लोग जानें। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने बुटीक की कोई स्पेशलिटी बना लें। सेकेंड चीज़ आती है आपका बिहेवियर। आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे उसको अटेंड करते हैं। सबसे पहले वो आते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके साथ कैसे डील करते हैं। बार्गेनिंग की बात आती है, नेगोशिएशन की बात आती है, तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने बिहेवियर से कस्टमर को कैसे रेगुलर बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है गाइस, कुछ छोटी छोटी बिहेवियर हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके किसी भी कस्टमर को रेगुलर बनाने में या उससे कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करेगी। जब भी कोई कस्टमर आपकी बुटीक में एंटर करता है तो उन्हें स्माइल फेस के साथ वेलकम करिए, हेलो मैम या हेलो सर, और फिर उनको बैठने के लिए कहिए, आइए बैठिए। उनको आप चाय, कॉफ़ी, ठंडा कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। उनसे पूछिए आप क्या लेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे उनसे बातें करिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को जानिए कि वो क्या चाहते हैं। एक तरह से उनसे आपको कनेक्ट होना है। अपना सिर्फ आपको सेलिंग नहीं करनी बल्कि उनसे कनेक्ट होना है, क्योंकि आपको एक रेगुलर कस्टमर चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें गाइस, कि आपको किसी भी चीज़ को बेचने की जल्दी नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसको बस बेचना है। आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना है, कनेक्टिविटी बनानी है, अपने बिहेवियर से उनके मन में एक आपके लिए अच्छी छाप छोड़नी है, ताकि वो आपके पास बार बार आना पसंद करें, आपकी चीज़ों में बार बार इंटरेस्ट लें। एक अच्छा बिहेवियर आपके मार्केटिंग रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करता है लोगों के साथ कनेक्ट होने में। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो सबसे पहले आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे अटेंड करते हैं, ये उनके मन में हमेशा रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने काम के साथ साथ
अपना बिहेवियर और अपनी हैबिट्स भी अच्छी रखें जो उनको पसंद आए। जो कस्टमर आपसे एक बार काम करवा के जाता है वो सेटिस्फाई होता है आपके काम से, आपके बोलने के तरीके से, उनको अटेंड करने के तरीके से, तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आना चाहेगा। और अगर उसको अच्छा लगता है तो वो औरों को भी आपके रेफरेंसेस देगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई कस्टमर आपसे सर्विस लेके जाता है तो उसके मन में एक ही बात होनी चाहिए कि मुझे अगली बार भी यहीं पे आना है। बार्गेनिंग और नेगोशिएशन से बचने के लिए आप अपनी चीज़ों में फिक्स रेट रख सकते हैं। फिक्स रेट का पोस्टर भी आप अपने डिस्प्ले पर लगा सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, रेट्स कम ज़्यादा करने की कोई परेशानी ही ना रहे। अपने बुटीक या अपने शॉप का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। आपको अपने बुटीक में सिटिंग अरेंजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, कि आपका बुटीक ये आपकी शॉप नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी स्मेल होनी चाहिए, साफ सफाई हो, अच्छे से जो डिस्प्ले पर आप लगाते हैं वो अच्छी ड्रेसेस हों। आपके बेस्ट प्रोडक्ट को ही हमेशा डिस्प्ले पर रखें और उसको साफ सुथरा रखें। हो सके तो उसमें कुछ लाइटिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कुछ कलर्ड लाइटिंग्स लगा सकते हैं ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट हो सके, फोकस्ड हो सके। अपनी जो भी अट्रैक्टिव ड्रेसेस हैं वही आप डिस्प्ले पर लगाएं। फेस्टिवल्स या ओकेजन्स पर आप सेल लगाते रहें, हर चीज़ों में ऑफर्स भी देते रहें ताकि नए नए कस्टमर से जुड़ने का आपको मौका मिल सके। मैंने कहीं पढ़ा है दोस्तों कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप उसी तरीके से करते रहें तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे जैसे अब तक मिलते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग रिजल्ट्स चाहिए तो आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।